हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। तो पिछले 3-4 दिन से लगातार फोन बज रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर, पंजाब टेट का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, मास्टर कैडर के फॉर्म भरने की लास्ट डेट आ गई, अब हम लोग क्या करें। तो आज 30 जनवरी सुबह सुबह ही ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आ गया, मास्टर कैडर के फॉर्म भरने की तारीख एक्सटेंड करके सीधी 10 मार्च कर दी गई है। चुनाव के बाद 10 मार्च, 40 दिन का टाइम आपको मिल गया फॉर्म भरने का, और सीधा सीधा फिर उसके बाद जाकर पेपर होगा। पूरी खबर आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिस है 29 जनवरी 2022 का। इसमें लिखा है कि शिक्षा विभाग वालों 16 दिसंबर नू जो जेड़ा विज्ञापन आया सी, 8 जनवरी नू मास्टर कैडर दिया वख-वख विषयां विच भर्ती लई विज्ञापन आ गया सी, 30 जनवरी नू लास्ट डेट सी, परंतु उम्मीदवारा वालों प्राप्त प्रति बेनती अनुसार अप्लाई करन विच थोड़ा तकनीकी मुश्किलां होने कारण हुण 10 मार्च तक वादा किया जाता है, बाकी सारी टर्म कंडीशन सेम एज इट इज। तो ये आपको नोटिस क्लियर हो गया सबको। बाकी आप सब जानते हो स्टूडेंट्स की सावल क्लासेस के मास्टर कैडर के सारे सब्जेक्ट, मास्टर कैडर में जितने भी सब्जेक्ट है सबकी प्रिपरेशन ऑनलाइन कोचिंग आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हो। चाहे आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे पंजाबी का सब्जेक्ट हो, या आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, या आपका साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, या सोशल साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सबकी प्रिपरेशन ऑनलाइन प्रिपरेशन आप लोग घर बैठे कर सकते हो। ये दो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इन पर कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन लो, बैच के अंदर एनरोलमेंट हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। मेरे को लगता है कि आज की ये खबर काफी स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए कंफर्टेबल होगी जिनके रिजल्ट अभी तक स्टिल पेंडिंग थे। मिलते हैं स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।